नाम शेषांगशचपत्रपत्रस्वूपम रूपम तस्वरी माधुरी गुष्टवाटी राधाकुंडम गिरीवरमालम राधिकानाथवास रक्तजेन वर्धितभुजं श्रीगुरुं नमोऽस्मि दंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत जगदाधर सरसादि गौरवक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वाधुरस्मृतिपात्मशक्तिवैभव पूरी गोस्वामी गुरु महाराज चरणारविंदरे दास धमरांतकटी षष्टांग दंडभूत कृपा विज्ञा प्रार्थना तदनंतर अभिन्न गुरुपाद पद्मशक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज चरणारविंदरे दास धमरांतकटी षष्टांग दंडभूत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद श्री चरणारविंदरे अनंतकटी श्रेष्ठ आज पवित्र उत्पन्न एकादशी जो माघ शिष्य कृष्ण उत्पन्न एकादशी महात्म्य भविष्य पुराण रे कृष्ण अर्जुन संवाद वर्णना शत्रुमंडली ब्राह्मण ऋषि को लक्ष्य करी सुतमुनि कहिले श्रीकृष्ण एकादशी व्रतर विधि और महात्म्य जेपरी कही सेपरी श्रद्धा भक्ति सहकारे कौन से व्यक्ति जदि या पालन करे बा श्रवण करे ताहले से ये लोग सुख प्राप्त हुए एवं विष्णु लोक को तार गति हुए। थरे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को जिज्ञासा कले हे दनार्दन कृपा करके मते कहंतु एकादशी तिथि रे उपवास भक्त भजन अथवा दिवारात्रि मधे केवल थरे भजन कले कि फल लाभ होता है। भगवान श्रीकृष्ण कहले हे हे अर्जुन तुम्हें प्रणिधान सहित मोर ए वाक्य श्रवण कर। हेमंत ऋतु आरंभ रे अग्रहण मास रे कृष्ण पक्ष रे एकादशी दिन जे व्यक्ति निजर अंतिम भाग रे भजन करे ताकु नक्त भजन बोलिकिरी प्रातः काल रे संकल्प करी दीपर समय रे स्नान करी पवित्र हेबाकु हुए। स्नान करिवा समय रे कहिबो हे अश्वकांते हे रथक्रांते हे विष्णुक्रांते हे वसुंधरे हे मूर्तिके तुम्हे मोर पूर्व जन्मर संचित समस्त पाप नष्ट कर। तुम द्वारा पाप हरण हेले मोर परम गति लाभ हब ए वाक्य कही प्रार्थना करबा पड़े। स्नान आदि समापन करी भगवान गोविंद को पूजा करिवो। हे जगन्नाथ आपणकर समस्त शरण्य समस्तंकर शरण आपणकर समस्त अनुमाता पिता आपण समस्तंकर उत्पन्न पालन और नाशन कर तेणुक आपण पृथ्वी आकाश समस्त संसार रहितकारी आपण स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साकल्य होम मंत्र तंत्र यजमान फलभोगकारी तथा आपण ही ईश्वर ये त्रिलोक चराचर मध्य आपण कौन सी वस्तु ना जो आपण सत्ता ईश्वर सर्वभूतानां हृदये स्वर्जन तिष्ठति भगवान होती सर्वव्यापक। तेणु हे भगवान हे देव हे देव हे देवगणाधिपते हे शरणागत वत्सल हे जोगेश्वर
दैत्य करदूत स्वर्ग को वितड़ित हई वैभव रहित देवतागण भीत चितरे आपणकर शरण नै आपण से मानक रक्षा कर जगत आम मैने देवलोक और आपण लोक रु भ्रष्ट हो पृथ्वी आशीर्व समुद्र निमज्जित आपण आम मान प्रति प्रसन्न इंद्रंकर हे गोरी कादर प्रार्थना श्रवण करी भगवान जिज्ञासा करले भगवान जिज्ञासा करी पचारिले जे एही मायावी दैत्य होचि के कु एपरि तार शक्ति रहिचि जे तुम मानको समस्तंको देवलोक रे से विताडित करि दैछि जे देवता मानको मध्य परास्त करिछि तार नाम कोन एपरि कोन तार शक्ति रहिछि हे इंद्र निर्भय कहिले मते कह पड़ी भगवान पचारिले इंद्र कहिले शरणागत वत्सल हे शरणागत वत्सल भगवान भक्तानुग्रहणकारी हे भगवान ब्रह्म वंशर देवता मानको प्रथम दुख दानकारी अत्यंत उग्र नाड़ीजंग नामक दैत्य उत्पन्न होता पुत्र हूँ महाबलशाली विख्यात मूर ए मूर नामक दान यही महानगरी चंद्रावती यही मुरा मुरासुर समस्त देवता स्वर्ग रू विताड़ित करे से बसवास कर इंद्र अग्नि जम वायु ईश चंद्रमा मरुत वरुण समस्त देवता मानक पद को सी अधिकार कर देवता मान समस्त मिली यही मतलब जय करने विष्णु आप दान देव इंद्र वाक्य श्रवण कर भगवान देवद्रोही मानकर प्रति प्रधान कहले एवं कहले हे इंद्र तुम मानकर शत्रु ए महा बलशाली दैत्य को मु संहार करूंगी बोलिकी किए भगवान कृष्ण निजे संहार करिया को प्रस्ताव तुम्हें माने समस्त एक संगरे चंद्रावती नगर को चल सेतेबेले भगवान विष्णुंकर नेतृत्व में समस्त देवता चंद्रावती नगर दिगरे अभियान कले से दिगरे सहस्र सहस्र अस्त्र शस्त्र सुसज्जित देवता गणंकु अपर दिगरे असंख्य दैत्य सैन्य समन्वित दैत्येन्द्र मूर को गर्जन करिवार देखा गले असुर प्रचंड प्रहार देवता माने एणे तेने सब चलीगले किंतु भगवान को संग्राम में एकाकी निर्भीक भाव में ढड़ा होता देखी से असुरगण भीषण प्रदान्वित हो समस्त असुर को परास्त कर मूल परास्त कर भगवान पक्ष बहुत कठिन है भगवान बहुत चेष्टा कर मूल असुर को परास्त करने कष्टसाध्य है क्या भगवान से जेतेबेले तांकर सहित दस हजार वर्ष मल्ल युद्ध कले कि भगवान दस हजार वर्ष पर्यंत मल्ल युद्ध कले एवं परिशेष परास्त अवस्था रखी से बद्रिका चाली गले कि भगवान सेठारे से हेमवती नामक गोटे सुंदर गुंफारे जाकर विश्राम कर दस हजार वर्ष पर्यंत मल्ल युद्ध कर भगवान कहले गोटे गुंफारे जा विश्राम नाक पड़ो विश्राम भगवान को अर्जुन को संबोधन कर अर्जुन से दानव मो प्रति अवधान से गुहार आसी पहुंचला
ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି, ସେ ସ୍ଥିର କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆକୁ ଶେଷ କରିଦେବି କାହାକୁ, ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ଇଏ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକରି 10,000 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି କ୍ଳାନ୍ତରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି, ଆକୁ ଏବେ ଶେଷ କରିଦେବି। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଶରୀରରେ ଏକ ଦୀପ୍ତିମତୀ କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି 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 ତାର ଶେଷରେ ତାର କେଶକୁ ଧରିକିରି ତାର ଶିରଟାକୁ ଛେଦ କରିଦେବି ସେ ଦେବୀ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁର ଗଣ ଭୟରେ ସବୁ ପାତାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରାତ ଧାରଣ କରି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଳ ଦୈତ୍ୟର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ, ଗାଁଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକିରି କିଏ, ଭଗବାନ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଳ ଦୈତ୍ୟର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି। ଏକ କନ୍ୟା ନମ୍ର ଭାବରେ କରଜଳିକି ଠିଆ ହେଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ବିସ୍ମିତ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ଭଦ୍ରେ ତୁମେ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକିରି କନ୍ୟା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ନା ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ନାଁ ଉତ୍ପନ୍ନା। ଆପଣ ଏ ଦୈତ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇତ ଦେଖି ଏହି ଦୈତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ କଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇକି ତାର ଶିରଟାକୁ ଛେଦ କରିଦେବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି, ତୁମେ ମୋ ନିକଟରୁ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେତେବେଳେ ସେହି କନ୍ୟା ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରି ମୋତେ ପରାଶକ୍ତି ମୋର ପରାଶକ୍ତି ତୁମେ ଏକାଦଶୀ ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛ, ଏ କାରଣରୁ ତୁମ ନାମ ହେଲା ଏକାଦଶୀ। କହିଲେ କି ତେଣୁକରି ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଯେ କେହି କରିବ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ, ସର୍ବସୁଖ ଲାଭ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଲା, ନହେଲେ ସେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଥିଲା ନିସ୍ତେଜରେ ଥିଲା ଏକାଦଶୀ। ଭଗବାନ ଉତ୍ପନ୍ନାକୁ ପ୍ରକଟ କରେଇକିରି ନିଜର ଶରୀରରୁ ସେଇ ଏକାଦଶୀକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକିରି ତାକୁ ପରମଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବନି, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବନି, କଂସା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବନି, ବିରି ମସୁରୀ ଡାଲି ଆଦି ନବଧାନ୍ୟ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଖାଇବନି। ଏହି ତିଥିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, ଆଉ ତିଥିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଫଳ
एकादश्याम मनारम भोजनम कर्तव्यम दयम दीपाच हरिकीर्तन चैव रात्रि ऊर्जा गरम चैव। एकादशी रे उपवास करिव भोजनम कर्तव्यम दिथर भोजन कौन कौन कर दिन रे हरिनाम संकीर्तन कर राति की उजागर रह दुईटी कले एकादशी संपूर्ण फल पंचाफल मित्र उपवास पतिता पावन वैष्णव।